हेलो एवरीवन, तो आज बात करते हैं हाउ टू क्लियर योर पीपी एंटिटी एंड हाउ टू बी इफेक्टिव इन ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वेयर यू हैव टू पार्टिसिपेट इनडोर्स इन ग्रुप डिस्कशंस। नाउ व्हाट हैपेंस दैट यू वर्क सो हार्ड, यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन and when you go to SSB, you are screened out. Why I am making this video? Because one of my candidates, she has been screened out for the third time. And if she gets screened in, she has got fair chances of recommendation. अब होता क्या है कि गाड़ी यहीं अटक जाती है, you are screened out. अब फिर आप पूरी तैयारी करो, फिर 6 महीने वेट करो, फिर अगेन यू वर्क हार्ड एंड नेक्स्ट टाइम अगेन यू आर स्क्रीन आउट। तो ऐसा नहीं है कि द कैंडिडेट डिडंट नो व्हाट इज हर पोजीशन, शी ऑल्सो न्यू इट, क्योंकि जो मैं शाम वाली एक्टिविटी ग्रुप क्लास करवाता हूँ उसमें वी डू प्रैक्टिस फॉर योर PPNDT ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, लेक्चरेट, इंटरव्यू, सब सबका होता है। और उसमें वन थिंग मोर आई गेट इट डन इज दैट यू जज योर सेल्फ एंड यू जज योर अदर ग्रुप मेट्स, टीम मेट्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। तो अगर आप 10-12 के ग्रुप में 4-5-6 लोग कह रहे हैं कि यू स्पोक वेल, यू मेड एन इम्पैक्ट, देन यू हैव गॉट चांसेस कि यहाँ आपने अच्छा करा है तो वहाँ भी अच्छा करोगे, एंड देन देर शुड बी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। अब होता क्या है कि आप कई सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि तो मुझे आ गया, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अभी तो SSB में टाइम है। तो ये कंटिन्यूस रिगरस प्रैक्टिस इसीलिए चाहिए, दोज हु आर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली बीइंग असेस्ड बाय देयर पीयर मेट्स दैट यस यू आर डूइंग वेल, दे क्लियर द स्क्रीनिंग। तो एक बार आपने कर लिया, दूसरी बार फिर परफॉर्मेंस, उसी समय या नेक्स्ट डे दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन कराया, उसमें अगेन यू आर नॉट गेटिंग इट। तो इट विल डिफर फ्रॉम परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस। तो कार्तिकेय राणा अभी रिकमेंड हुआ है, कंटिन्यूसली ही वॉज बींग वोटेड बाई अदर्स दैट यस एवरी टाइम You are doing well. Continuously for 1 month, every day you are getting this from your peer group assessment, and he was screened in and he was recommended also. Achhi preparation thi. So, mere paas kareeb last 10 months he was preparing with me. So, consistency chahiye. Time aisa nahi hai. Dekho, class one job ke liye aap ja rahe ho ki aapne just chutki bajayi aur ho gaya. You need to work hard and consistent. Chalo, now let us come back again to PPNDT and all group discussion, group planning. Mein hume GTO kya dekhta hai aur hume kya karna hai. So let us understand it one by one. Dekho, jo GTO aapko observe kar raha hai, wo ye dekh raha hai. Dekho, yahan par ek cheez aap yaad rakho ke group building, team work is very very important. Aapki knowledge thodi si kam hai, there is absolutely no problem. लॉजिक अच्छा होना चाहिए और टीम वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नॉलेज के बिना काम चल जाएगा, बट नॉलेज से ज़्यादा है आपकी विजडम, दैट इज लॉजिक एंड टीम वर्क। आप टीम को साथ लेकर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। कई कैंडिडेट हैं, उनका ग्रुप प्लानिंग में सर माई प्लान इज गुड परफेक्टली, आई सेड यस इट्स परफेक्ट, बट सर ग्रुप ने नहीं माना। तो आप एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप आपकी कम है ना, कि आप ग्रुप को कन्विंस नहीं करवा कर पा रहे हो। आपका प्लान बिल्कुल सही है, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द ग्रुप। तो अंतर समझो इन चीज़ों में, और ये सब प्रैक्टिस से आता है, रातों रात नहीं आ जाता कि बस आपकी तैयारी हो गई। जब ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे तब, और कोई आपको करेक्ट करेगा, बताएगा कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ गलती करी, तब ये जाके बातें आपको समझ में आएंगी। क्या चलिए, तो व्हाट GTO लुक्स एट tries to find out is, are you a supporter? Supporter means, do you praise and agree with other members of the group? अगर कोई सही बोल रहा है तो आप उसकी तारीफ करते हो, उसको praise करते हो या नहीं करते हो,
दूसरों की बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो? जितनी बात सही है अग्री तो करो, आप नो 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 बोलते चले जाओगे तो फिर आप ब्लॉकर हो जाओगे, सपोर्टर नहीं होगे, ठीक है। देन हार्मोनाइजर, हु इज हार्मोनाइजर? ही हेल्प, ही और शी हेल्प इन रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप। तो आप अपने स्कूल में कॉलेज में भी देखते होंगे कि कई चार पांच लोग हैं, किसी की ओपिनियन कुछ है, किसी की दूसरे की कुछ और ओपिनियन है, तो आप हार्मोनाइजर का काम करते हो नहीं करते हो? अच्छा चलो ठीक है यार, ये तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, जिसकी जो बात मानने लायक होती है वो आप मानते हो। ये रोल आप प्ले कर रहे हो नहीं, GTO इज ऑब्जर्विंग यू, लुकिंग एट यू क्वाइटली कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो। आर यू सपोर्टिंग द राइट कॉज, द राइट पीपल? आर यू क्रिएटिंग हारमोनी, रिमूविंग डिसहारमोनी अमंग्स द ग्रुप? वॉट इज योर रोल? देन समटाइम्स टेंशन हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं लोग, यहाँ पर तो उतना नहीं होता है लेकिन वैसे आपकी लाइफ में, तो देन यू एक्ट एज ए टेंशन रिलीवर ऑल्सो। एनकरेजर, डू यू एनकरेज पीपल? कई बार होता है कि ग्रुप में एक या दो कैंडिडेट नहीं अच्छा बोल पा रहे हैं या उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, डू यू एनकरेज देम? तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर बींग जज्ड फॉर योर लीडरशिप क्वालिटीज। आर यू इमर्जिंग एज ए लीडर? तो लीडर कौन होता है? जो अपने से कमज़ोर लोगों को सहारा देता है, उनको सपोर्ट देता है, तो ये भी चीज़ को आप समझो, एनकरेज उनको करने का भी रोल आपका बनता है। इसके बाद में आपका आता है इनिशिएटर। आप इनिशिएट करते हो, एक तो स्टार्ट में भी जब आपका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है या PPNDT का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, आर यू द फर्स्ट वन? चलो वहाँ का भी कोई बात नहीं है, आपने इनिशिएट करा, थोड़ी देर बाद आपने शुरू करा, तो बीच बीच में आप टॉपिक में इनिशिएटिव लेते हो कि अब हम ये बात करें, लेट अस नाउ डिस्कस दिस, लेट अस नाउ डिस्कस दिस, फ्रेंड्स टिल नाउ वी हैव एग्रीड ऑन दिस, ये सब बातें इनिशिएटर वाला रोल आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद में आप अपनी ओपिनियन देते हो, यू आर एन ओपिनियन गिवर एंड समटाइम्स यू सीक ओपिनियन, अदर्स ओपिनियन, यस इज दैट राइट, डू यू एग्री, फ्रेंड्स कैन वी गो हैड विद दिस? PPNDT में ज़्यादा होता है, बाकी में भी होता है, तो ओपिनियन गिवर और ओपिनियन सीकर। और कई बार क्या होता है कि लोग टॉपिक से भटकने लग जाते हैं, कुछ इधर उधर की बात करने लग जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भी होता है, ग्रुप प्लानिंग में भी होता है, PPNDT में भी होता है। तो ओरिएंटियर का रोल आप कर रहे हो नहीं? ओरिएंटियर कौन होता है? जो ओरिएंटेशन करता है, ग्रुप को वापस टॉपिक के ऊपर लेकर आता है, इज कॉल्ड एन ओरिएंटियर। तो आप ये भी रोल, अब पूरे 15 मिनट के डिस्कशन में कभी तो आएगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 10-12 बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी सभी बार होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, इनमें से लागू हो जाएगा। ये रोल आपको मिलना मिलेगा पूरे डिस्कशन में, कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसको भी आप ध्यान रखो, ओपिनियन सीकर, ओपिनियन गिवर, ओरिएंटियर, क्लेरिफायर। फ्रेंड व्हाट चेस नंबर 4 इज सेइंग इज दिस, आप क्लेरिफाई कर देते हो, उस पर और बिल्डअप कर देते हो, जो उसकी क्लैरिटी उतनी नहीं थी, तो ये भी होता है, आप साथियों में ग्रुप में करते हो, उसकी दूसरे की बात को भी क्लेरिफाई या एम्पलीफाई करते हो, तो क्लेरिफायर का रोल आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन के फ्रेंड्स टिल नाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस कॉमन स्टोरी, कोऑर्डिनेट कर रहे हो आपको जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, व्हाट चेस नंबर 4 हैज सेड, व्हाट चेस नंबर 8 हैज सेड, व्हाट चेस नंबर 7 हैज सेड, सो टिल नाउ वी हैव एग्रीड ऑन दिस, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो कोऑर्डिनेटर का भी आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने बताया, आर यू द इनिशिएटर, ओपिनियन सीकर, ओपिनियन गिवर, ओरिएंटियर, क्लैरिफायर, कोऑर्डिनेटर, हार्मोनाइजर, सपोर्टर, टेंशन रिलीवर, एनकरेजर, और इस सब के बाद में यू हैव टू बी नेचुरल। आर्टिफिशियल आपका नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, नकलीपन नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, दिल से बोलो आप बात को। अब क्या नहीं करना है,
That is, are you a blocker? You are not allowing anyone else to speak or put up his point. जब कोई बोलता है आप ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देते हो, shout करना शुरू कर देते हो. Aggressor, blocker, aggressor. Dominator, bad, don't be bad. Blocker, aggressor and dominator. Dominate कर रहे हो आप. No, you are not. No, what I am saying is correct. आप अपनी बात मनवाना चाहते हो. तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. एग्रेशन में, गुस्से में आ जाते हो आप, और ज़्यादा बोलने लगते हो. चिल्ला, व्हाट डू यू नो, नो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. एग्रेशन है वो. तो थोड़ा सा ही टोन से भी आपके एग्रेशन जो है पता पड़ रहा है. तो ब्लॉकर, एग्रेसर, डोमिनेटर अगर आप हो, तो फिर आप कितना भी अच्छी नॉलेज दिखा लो वहाँ पर, कितना भी अच्छा पार्टिसिपेशन कर लो, इफ़ द GTO इज गेटिंग दिस इम्प्रेशन by your behavior, by your attitude, by your communication. तो मैंने क्या बोला, ABC, attitude, behavior and your communication skills. That is, यहाँ पर बातें आती है टोन की. तो उससे अगर उसको इम्प्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि आप कर तो अच्छा रहे हो, इंटेलिजेंट यू आर, OIR भी आपका बहुत अच्छा आया है, पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है, ओपिनियन सीकर, ओपिनियन गिवर, सब कुछ हो आप, सपोर्टर भी हो आप, ओरिएंटियर भी हो, कोऑर्डिनेटर भी हो, क्लेरिफायर भी हो, बट एट टाइम्स, मार्क माई वर्ड, एट टाइम्स, वंस इन अ वाइल, यू आर एक्टिंग एज ए ब्लॉकर और अग्रेसर और डोमिनेटर. देन दिस इज शोइंग योर अडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम, फैक्टर टू प्रॉब्लम. और फैक्टर टू अगर प्रॉब्लम है या अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यू विल नॉट बी टेकन इवन इफ यू आर दी सुपर मोस्ट जीनियस. तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और इन पर करोगे. और उसके बाद में ये तो सारी बातें मैंने आपको बताई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रैक्टिस एंड करेक्शन एट द सेम टाइम. तो आप ग्रुप में अपनी प्रैक्टिस करो एंड सी दैट वॉट यू आर टॉकिंग, वॉट यू आर डूइंग शुड बी करेक्टेड. तो जब आप इतनी मेहनत 6 महीने आपने करी है रिटर्न के लिए, तैयारी करी है, रिटर्न में अच्छे मार्क्स आए एंड यू आर स्क्रीनड आउट, तो ये जो आपकी शाम की जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, ये आप ज़रूर अटेंड करो. मेरे पास करो, कहीं भी करो आप, आई एम नॉट सेइंग, बट ये ग्रुप प्रैक्टिस विथ करेक्शंस आपका होना बहुत ज़रूरी है. एंड एज यू नो, आई हैव मेड इट पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन कंटिन्यू इवन फॉर 6 months एंड ऑल दैट. यू डू इट विद मी और यू डू समवेयर एल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है और इसमें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. और इसके अलावा राइट योर व्यूज, योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, कि इन योर ओपिनियन व्हाट एल्स मैटर्स इन द PPNDT एंड लेटर ऑन इन GTN ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल.